क्योंकि यहाँ पे हमें ऐसे ही रिजिड फाइट देखने को मिलते हैं। एक फाइट हुआ ईस्पोर्ट्स दी प्रीमियर सीरीज, यस ये एक ईयर लॉन्ग इंडिया टूर्नामेंट है जो पिछले साल भी हुआ था, जिन लोगों ने फॉलो किया था इस साल भी वो करा रहे हैं, जहाँ पे फ्री फायर एक प्राइमरी गेम है उनके, एंड वहां पे आपको क्वालिफाई होते हुए दिखेंगे दिसंबर के एक ग्रैंड फिनाले में, जहां पे आपको एक मैक्सिमम प्राइस पूल शायद से पिछली बार तो 10 लाख का था, इस बार का पता नहीं क्या अमाउंट होगा, वो शायद से आप लोगों को रिवील होता हुआ देखने को मिल जाएगा। बट एनीवे इसी के ऊपर आज बातचीत करेंगे एक कालाहारी के फाइट के बारे में। सेमीफाइनल्स चल रहा है पहले क्वालिफायर का, जहां पे रेवेनेंट टोटल गेमिंग एंड काफी और दो टीमें थी, वो क्लिप के ऊपर चल गए। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हम लोग बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं 11.5 के सब्सक्राइबर्स के, तो वक्त अदा करते हैं, शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। बहुत दिन बाद मुझे कालाहारी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट देखने मिला, जहां पे पुल जो सर्कल है ना पूरा एकदम वर्टिकलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड ये वर्टिकल शब्द आप लोगों ने बहुत ज्यादा हमारे कास्टिंग के टाइम पे सुना होगा। अब ये जो आपका 90 डिग्री एंगल दिख रहा है आप लोगों को, ये जो सीधा अपवर्ड डायरेक्शन एंगल दिख रहा है आपको, देखो ये फौजी जी के सिर के ऊपर से, एंड आपके आई थिंक ये देसी गेमर्स का इनसेन है, इसके सिर के ऊपर से ये जो एंगल है ना ये काफी ज्यादा डिफिकल्टी बना देता है प्लेयर्स के लिए जो नीचे होते हैं एंड जो ऊपर होते हैं, क्योंकि कभी कभार सर्कल जो है नीचे बनता है, कभी कभार सर्कल ऊपर रहता है, बट ऐसे वर्टिकल सिचुएशन में मोस्टली जो नीचे रहते हैं उनको थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है। बट ऊपर से जो प्लेयर्स रिच के ऊपर है जो कि रेवेनेंट के प्लेयर्स है, वो यहाँ पे कंटिन्यूअसली यहाँ पे परेशान कर रहे हैं सारे के सारे प्लेयर्स को, ठीक है, जो टोटल गेमिंग के जो रिच पे खड़े हुए हैं, एंड रिच के नीचे दो और टीम्स मौजूद थी। आप सिचुएशन देखिए, यहाँ पे 5 टीम्स और 9 खिलाड़ी हैं, दिस इज 5 teams and 9 players, एंड इस सिचुएशन से बुया निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है रेवेनेंट के लिए, क्योंकि रेवेनेंट देखिए उनके पास एडवांटेज है ऊपर का, बट उनको नीचे आना पड़ेगा। एंड इस सिचुएशन में फायदा क्या उठाते हैं ये लोग, ये सिचुएशन में फायदा ये होता है कि टोटल गेमिंग के ड्रेगो नॉक हो जाते हैं, ठीक है, इमीडिएटली रोहित नॉक हो जाते हैं वहां पे, एंड रोहित जैसे नॉक होते हैं इमीडिएटली सर से, क्योंकि उनका एक एंगल ऐसे मिल रहा था, जब आपको ऐसा सिचुएशन देखने को मिल जाता है ना फिर वो कुछ नहीं कर सकते टोटल गेमिंग के प्लेयर्स वहां पे। ऊपर से आइस ग्रेनेड भी वहां पे डाला गया है, आइस ग्रेनेड के चक्कर में वहां पे कॉन्स्टेंट प्रेशर और ज्यादा आ रहा है, एंड आप देखोगे एक ही स्पीन में यहाँ पे AC-AT का शॉट पड़ेगा फौजे को, फौजे जाए नॉक, ड्रेगो खुद 1 HP पे था, ऊपर से रेवेनेंट ने यहाँ पे पूरा क्लियर एंड क्लियर कर दिया। अब यहां से मैच का असली रुख शुरू होता है, ठीक है, इनसेन देखिए अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, इनसेन का एंगल देख लीजिए वो यहां पे है। अब रेवेनेंट के वाइपर को शायद से पता लगा है कि यहां पे इनसेन है, और उनको एग्जैक्ट पोजीशनिंग नहीं पता क्योंकि यहां से एंगल नहीं मिल रहा है इनसेन का, या फिर यहाँ पे TNM के जो पुनीत बचे हुए उनका भी एंगल आप देखिए, आसिम को पता है कि नीचे है, आसिम और राजा यहाँ पे नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। अब सर्कल यहाँ पे देखिए, सर्कल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि छठा सर्कल है, इसके बाद कोई सर्कल बनने नहीं वाला है, सीधा डेथ सर्कल है, 3 सेकंड है टाइमर में, ये रहा टाइमर, यहाँ पे आप ध्यान लेके आइए तो देखिए 3 सेकंड बाकी है, 3 सेकंड के अंदर इन सारे के सारे प्लेयर्स को नीचे उतरना पड़ेगा, सेट कि ऐसे सर्कल में आपको नीचे ही एडवांटेज मिलता है। अब आसिम और राजा यहाँ पे साथ में खेल रहे हैं, वाइपर राइट हैंड साइड में अकेला, वाइपर ने इनसेन को देख लिया, देख लीजिए यहाँ पे इनसेन और वाइपर का फाइट शुरू हो चुका है, इनसेन ने यहाँ पे क्रोन का शील्ड इमीडिएटली पुट अप किया, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस एंगल पे ध्यान दीजिए, आपको बहुत क्लियरली पता लग जाएगा क्या सिचुएशन हो रहा है। नीचे अलग ही फाइट चल रहा है पुनीत का, पुनीत यहाँ पे भाग के निकल गया, पुनीत इस सिचुएशन से यहाँ पे आ गया है, अब देखिए प्ले करूंगा मैं फिर से, ठीक है, यहाँ पे वाइपर जो नीचे गिर जाते हैं, इनसेन अभी भी ऊपर अटके हुए, ठीक है, आसिम यहाँ पे लॉन्चर मारते हैं बट इमीडिएट ब्लू वॉल के कारण यहाँ पे आसिम जो है इमीडिएट खुद नॉक हो जाते हैं। इस सिचुएशन में बहुत डेंजरस हो सकता है क्योंकि इनसेन अभी भी जिंदा है, पुनीत अभी भी जिंदा है, रेवेरेंट के पास एडवांटेज होने के बावजूद वो एडवांटेज नहीं ले पा रहे हैं नंबर्स का, क्यों, ये यही प्रॉब्लम होता है कि जो प्लेयर ऑलरेडी नीचे है वो एडवांटेज लेगा। अब यहाँ पे देसी गेमर्स के जो इनसेन है वो यहाँ पे ग्रैपलिंग हुक लेके इधर उधर कर रहे हैं, वाइपर के पास है K9, शॉर्ट रेंज में अगर शॉट कनेक्ट नहीं हुआ तो बहुत सिचुएशन खराब हो जाएगा, बैट के साथ मिली वेपन के साथ फाइट शुरू हो गया, बहुत क्योटिक माहौल बन गया। अब पुनीत जो है यहाँ पे गलत हो गया पुनीत के लिए कि पुनीत यहाँ पे सर्कल के बाहर चले गए, देख रहे हो पुनीत इतना बड़ा सर्कल के जो बाहर चले जाते हैं, इस चक्कर में वो वापसी कर रहे हैं बहुत ज्यादा डैमेज खा लेते हैं, एंड यहाँ से उनका बच पाना नामुमकिन हो जाता है। राजा अभी भी बचे हुए हैं, ठीक है, अब ये 1v1 का सिचुएशन हो जाता है, राजा बचे हुए हैं अगेंस्ट पुनीत एंड वाइपर वहां पे नॉक हो चुके, ठीक है, असिम भी पहले ही खत्म हो चुका है, वो अपने लॉन्चर से खत्म हुआ, बट राजा ने यहाँ पे अपने टीम को बचा लिया क्योंकि पुनीत वहां पे सर्कल के बाहर से आ रहे थे, उनको डैमेज बहुत ज्यादा पड़ गया, आखिरी सर्कल का डैमेज आपको पता है कि अननेगोशिएबल है, वो आप बिल्कुल भी बच नहीं सकते उस सिचुएशन से, राजा सर्कल के अंदर थे एंड उनके हाथों में M87 था, हम जानते हैं राजा किस लेवल के सॉल्टर है। रेवेनेंट गेट्स एन ऑसम बुया, लाइक बहुत दिन बाद मुझे एक इंटरेस्टिंग फाइट देखने को मिला, मुझे लगा कि शायद आप लोगों के साथ
शेयर कर लेना चाहिए। एंड ऊपर से वहां पे टोटल गेमिंग की टीम भी थी, काफी दिनों से मैं टोटल गेमिंग की कोई मैचेस देख नहीं रहा था एंड उनके परफॉर्मेंसेस को कोई तरीके से मैं एनालाइज या फिर जज नहीं कर पा रहा था। अभी देखिए टोटल गेमिंग का मैचेस शुरुआत होगा FFIC के लीग स्टेजेस से, क्योंकि वो टॉप में थे, सेकंड पोजीशन पे थे, तो एनीवेज वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो काफी टाइम है, मार्च में FFIC के लीग स्टेजेस चालू होंगे तो तब आपको टोटल गेमिंग के ऑफिशियल मैचेस देखने को मिलेंगे। टिल देन ऐसे लोकल टूर्नामेंट से वो अपना ग्राइंड जारी रख रहे हैं। वैसे भी फौजी भाई थोड़े ब्रेक पे थे, सैटी खेल रहे थे, तो थोड़ा बहुत चेंजेस हमें इधर उसे देखने को मिला था। कल से शायद फौजी भाई ने एंट्री मारी है, एक आध मैचेस में उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चला टोटल गेमिंग का। बट एनीवेज टोटल गेमिंग भी कमबैक करेगी ही करेगी, ऑब्वियसली बात है। रेवेनेंट भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, आप जरूर से बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कैसा लगा, इस सिचुएशन में क्या कर सकते थे हमें पुनीत या फिर देसी गेमर्स की इंते, क्योंकि वो भी शायद मुझे ऐसा लगा कि वो सिचुएशन में जीत सकते थे। बट एनीवेज अकेले होना काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, रेवेन के पास नंबर एडवांटेज था। बट यही के इसी के साथ वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं 11.5K सब्सक्राइबर्स के। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए गाइस, स्टे सेफ, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।